दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे काला पत्थर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। काला पत्थर सन 1979 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन बापी, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, परीक्षित सहनी, संजीव कुमार और मैकमोहन नजर आए थे। इस फिल्म को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी और डायलॉग सलीम जावेद ने लिखी थी। इस फिल्म को 24 अगस्त 1979 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,30,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 5,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 47,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 6 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1979 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक राजेश रोशन ने दिए थे और इसके लिरिक्स साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे, इसके सभी गाने हिट रहे थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ में 4थी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने यश चोपड़ा के साथ दीवार, कभी कभी और त्रिशूल फिल्म में भी काम किया था। नंबर 2, इस फिल्म की कहानी सन 1975 में आई चासनाला माइनिंग डिजास्टर पर आधारित थी, जिसमें करीब 375 माइनर्स की मौत हुई थी। नंबर 3, ये फिल्म भले बॉक्स ऑफिस में एवरेज साबित हुई थी लेकिन क्रिटिक्स से इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था और ये फिल्म बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। नंबर 4, इस फिल्म के मेकर्स राजेश रोशन की म्यूजिक से खुश नहीं थे और वे राजेश रोशन को हटाना चाहते थे। जब ये बात लता मंगेशकर को पता चली तो उन्होंने मेकर से कहा था कि अगर राजेश रोशन को फिल्म से हटाओगे तो वे भी इस फिल्म के लिए गाना नहीं गाएंगी। फिर मजबूरी में फिल्म के मेकर्स ने राजेश रोशन को नहीं हटाया था। नंबर 5, इस फिल्म में पूनम ढिल्लो ने कैमियो किया था। वे मेरी दूरों से आए बारात वाले गाने में नजर आई थी। नंबर 6, पूनम ढिल्लो इस फिल्म में पहले परवीन बाबी वाला रोल करने वाली थी लेकिन यश चोपड़ा को लगा कि पूनम ढिल्लो इस रोल में काफी छोटी लगेंगी, इसलिए उन्होंने पूनम ढिल्लो को एक कैमियो रोल दिया था। पूनम ढिल्लो ने कैमियो रोल के लिए हाँ तो बोल दिया था लेकिन बाद में उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था। नंबर 7, इस फिल्म में यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा ने भी गाना गाया था। उन्होंने इस फिल्म में जगाया जगाया वाला गाना गाया था। नंबर 8, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी इस फिल्म के अलावा उसी साल आई फिल्म सुहाग में भी नजर आए थे। नंबर 9, इस फिल्म की शूटिंग 27 सितंबर सन 1976 से शुरू हुई थी। नंबर 10, ये भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जो डिजास्टर टॉपिक पर बनी थी। इस टॉपिक पर तब सिर्फ हॉलीवुड फिल्में ही पॉपुलर। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।